आज राज किचन रेसिपी बनाएंगे चटपटा कुरकुरा मजेदार नाश्ता, और ये नाश्ता खाने के बाद कचौरी समोसा सब आप खाना भूल जाएंगे। इतना टेस्टी, इतना कुरकुरा और इतना चटपटा बनता है, जल्दी से बन जाता है, फटाफट बन जाता है, और खाकर आप मजे करेंगे, बच्चे भी मजे करेंगे। तो यहाँ हमने दो हरी मिर्ची ली थी, ये इसको हमने काटनी है यहाँ पर बारीक बारीक। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, और आपको नाश्ता ज़्यादा पसंद है या मतलब आपको कुछ और बाहर का जो खाना है वो पसंद है, और कहाँ से वीडियो देख रहे हो। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दें फटाफट। ऐसी रेसिपी पाने के लिए हमने यहाँ पर एक टमाटर लिया है, एक बिल्कुल मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली थी बारीक काट ली, इसमें से हम नींबू लेंगे आधा। और अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन्हें हटाते हैं और हम ले लेते हैं आलू। तो आलूओं को हम क्या करते हैं, आलू हमने धो लिए, काफ़ी मिट्टी लगी हुई थी। अगर जैसे आपके पास दो बड़े आलू हों तो आप दो बड़े आलू ले लें लंबे साइज़ के, मेरे पास आज यही हैं। और आलू थोड़े से फ्रेश और सफ़ेद वाले ले, ये ले लिए मैंने, धो लिए हैं। और अगर आपके पास एक काफ़ी बड़े साइज़ का हो तो आप बड़े साइज़ का ले लें। अब आलू को हम छील लेते हैं फटाफट, ये देखिए इस तरीके से आलू छील लेते हैं, और बहुत मज़ेदार नाश्ता बनता है दोस्तों। कहाँ से वीडियो देख रहे हो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, पता तो लगे कौन कहाँ से है। और चटपटा नाश्ता फटाफट बन जाता है, ज़्यादा इसमें सामग्री भी नहीं चाहिए होती, ज़्यादा चीज़ें भी नहीं चाहिए होती है। ये थोड़ा सा ख़राब सा है, छील लेते हैं, और ये आलू को अच्छे से छील लेना है। ये देखिए ये आलू छिल गया, एक आलू छिल गया है, इसे रखते हैं यहाँ, ये भी छील लेते हैं आलू बढ़िया से फर्स्ट क्लास, पूरा छिलका निकाल देते हैं इसका आलू का। देखिए क्या बात है, मज़ेदार, एक बार में आधा छिल गया है, क्या बात है, शानदार मज़ेदार नाश्ता। और इसके साथ बढ़िया गर्मा गर्म मसाले वाली चाय, ओहो हो, इवनिंग में तो मज़ा आ जाए। सुबह थोड़ा जल्दीबाजी रहती तो सुबह तो ये नहीं हो पाएगा। ये देखिए ये भी छिल गया, ये लास्ट, ये थोड़ा बड़ा है आलू जी। और आलू बिना तो दोस्तों कुछ भी नहीं होता है, आलू तो मज़ेदार चीज़ें हैं। ये देखिए इसको फटाफट इस तरीके से आलू को छील लेते हैं, ये आलू हमने छील लिया है, ये देखिए क्या बात है, बाहर आंधी चल रही है, तूफान आने वाला है, ये देखिए। और जब भी छोटी मोटी भूख हो ना तो आप ये फटाफट बनाएं, खाएं और गुनगाएं। ये लीजिए तीनों आलू छिल गए हैं, टमाटर के साथ क्या करते हैं, टमाटर का ये वाला हिस्सा काट देते हैं, टमाटर को मैंने एक बार धो लिया है, ये देखिए। और इसके बाद मैं बर्तन लेके आता हूँ दोस्तों, ये लीजिए बर्तन, ये इसमें डाला हमने पानी, ठंडा पानी चाहिए इसमें, ठंडा पानी। और हमें चाहिए अदरक घिसने वाला, गंदा पड़ा है, साफ नहीं किया, ये आलू लेने हैं, और ये देखिए इस तरीके से लंबा चलाना है। अगर ये आलू थोड़ा और बड़ा होता ना तो और लंबे लच्छे निकलते हैं। ये देखिए इस तरीके से, एक तो ये आलू पिसल रहा है, ओहो कहाँ जा रहा है, इसको ऐसे रखना पड़ेगा। ये लीजिए इस तरीके से, ये ओहो
वो घूमने चला गया। ये देखिए लास्ट है, इसको भी इस तरीके से कर लेते हैं। ये देखिए कर लिए हैं। और आलू ठंडे पानी में इसलिए डालना है, एक तो स्टार्च निकल जाएगा और ये काला नहीं पड़ेगा लच्छा, ये करना जरूरी है। तो इसे 2 या 3 बार धोना है हमें अच्छे से। ये दीजिए देखिए कितना कितना स्टार्च है, कितना स्टार्च, और अभी तो और निकलेगा। ये लीजिए वापस से ठंडा पानी। ये लीजिए एक बार और उसके बाद एक बार और इस तरीके से इसे धोना है हमें। ये देखिए अभी इसको मैं खाली करता हूँ, चटनी का सारा लेते हैं। ये देखिए धो लिया हमने, पानी को पेड़ पौधों में दे दिया है। ये देखिए निकला छानने के बाद, इसमें डाल देते हैं, इसमें डालते हैं वापस ठंडा पानी। ये लीजिए और ये लीजिए इसको थोड़ा सा हल्का सा घुमा के रगड़ कर इसमें डाल देते हैं। ये ठंडे पानी में वापस, अभी पूरी तैयारी करने के बाद इसको निकालेंगे हम, उससे पहले ना निकाल दे वरना काले हो जाएंगे। ये देखिए और इसको भी हम छान लेते हैं। चलिए इसमें छान लेते हैं, देखिए वेस्ट वेस्ट नहीं करना। ये लीजिए इसमें डाल देते हैं। चलिए अब बारी आ जाती है, ये जो हमने टमाटर लिया था इस टमाटर को हम कद्दूकस कर लेंगे। तो ये देखिए छिलका निकल गया है, ये अंदर का पल्प है। ये लीजिए और ये छिलका इसमें निकाल दें। अब इसको एक बाउल में खाली कर लेते हैं, छिलके निकाल देते हैं इसमें से। फाइनली ये देखिए लच्छे हमारे आराम कर रहे हैं, काले भी नहीं पड़े हैं। और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक बड़ा बर्तन, इसमें डालते हैं 1 कप आटा। यहाँ पर कप का वजन मतलब आटे का वजन 150 ग्राम है, 150 ग्राम तोल के आटा ले, अगर 200 ग्राम भी लेंगे तो चलेगा, जो आप तोलेंगे कैसे। और अगर नहीं आपको, अगर ये मेजरमेंट नहीं है आपके पास में, तो आप क्या कर सकते हैं, घर में जो चाय का कप होता है ना वो 3 कप ले लें तो बैलेंस हो जाएगा आपका। और अब इसमें हम थोड़ा सा कुरकुरापन देने के लिए 1 बड़ा चम्मच सूजी डाल देते हैं। ये देखिए 1 बड़ा चम्मच सूजी। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, ये देखिए इतना, ये लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे जाएगा दोस्तों काला नमक, थोड़ा चटकारापन आता है काले नमक का, और काला नमक तो वो हो पेट के लिए बहुत, हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसको हम इसमें डाल देंगे, हम इसमें थोड़ा सा चिली डाल देंगे, ये दरदरी कुटी हुई मैंने अभी कुटी है, चिली फ्लेक्स को आपके पास तो वो भी ले सकते हैं। थोड़ा सा तेल डालेंगे 2 चम्मच के आसपास और इसे मिला लेंगे। अच्छे से इसे मिलाना है, बढ़िया से हाथ रगड़ रगड़ के। और अगर आप घर वालों के लिए बना रहे हैं तो अच्छे से हाथ धो लें, और किसी बाहर वाले को बना रहे हैं और उसको तो ग्लव्स पहन लें। मेरे को ग्लव्स की अभी नहीं, ग्लव्स में से काम मज़ा नहीं आता करने में। ये देखिए अभी इसमें से ना ऐसे देखिए बंदे लगेगा, थोड़ा सा ही बंदा चाहिए,
ज़्यादा बनेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा, और ज़्यादा क्रिस्पी तो फिर मतलब इतना तो बनना चाहिए। देखिए देखिए ये देखिए इतना बनना चाहिए। इतना बनने के बाद में आपको इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, 8 से 10 इंच, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा कलर रेड 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 हो जाता है। और ज़्यादा डालें तो हल्दी वैसे भी क्या होती है, हल्दी होती है हल्दी। ये देखिए मेरे लग गई थी, यहाँ पे मैंने हल्दी लगाई फिर बैंडेड लगाई है, कट गया था। अब कटता रहता है, जलता रहता है दोस्तों। ये देखिए ये तैयार है हमारा। अब इसमें हम थोड़ी सी ये डाल देते हैं प्याज के बीज। चलिए दोस्तों बताओ प्याज के बीज को क्या बोलते हैं, किस नाम से पुकारते हैं। ये है बीज। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो लगा लेते हैं। बहुत बढ़िया शानदार। यहां पर जाएगा चाय का जो कप होता है ना, आधा कप पानी जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1/4 कप। तो आधा कप हम डाल चुके हैं। ये देखिए अच्छे से ये बंद गया। ये बस अब बिल्कुल थोड़ा सा पानी और ये अब इसे सूजी डालिए तो थोड़ा पानी सोक करेगी सूजी। डालिए भले ही थोड़ी सी, 1 चम्मच है बड़ी। चलिए अब इसको डो को अच्छे से मसल मसल कर सेट कर लेते हैं। और देखिए डो देखिए अब का है कलरफुल, क्या बात है। थोड़ा सा चिपकेगा तो क्या करना है, थोड़ा सा तेल डाल देना है इस पर। और ये लीजिए अब इसको इस तरीके से ढककर रख देते हैं। दोस्तों अब है लास्ट स्टेप, आटा आराम फरमा रहा है, ये लच्छे निकाल लेते हैं। देखिए ये देखिए छोटे से कद्दूकस से कितने अच्छे लच्छे बने हैं। ये है यहां पर डाल देंगे चावल पे, पानी थोड़ा सा हमें सुखाना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखिए क्या बात है, ये निकाल लेते हैं लच्छे पूरे। ये देखिए और इनको भी छान कर दे, देखिए इसमें है, ऐसे छान कर यूज़ में लेंगे। अब भी इनको इस तरीके से फैला देते हैं और थोड़ा सा सूखने देते हैं हल्का सा। ये लीजिए अब यहाँ पर हमने पैन चढ़ा दिया है सुंदर और सुशील वाला। यहाँ पर गैस को ऑन करेंगे, गैस ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे। पतला पैन है आपका, थोड़ा मोटा हो या कड़ाई हो तो मज़ा आ जाएगा। ये लीजिए गैस को लो फ्लेम पे करते हैं। डालते हैं यहाँ पर हम 1 चम्मच तेल, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच ज़्यादा हो गया क्या? हाँ टू ऑयली वाले बोलेंगे ज़्यादा हो गया। हाँ ज़्यादा हो गया तेल दोस्तों, चलिए थोड़ा सा कम करना पड़ेगा तेल, सच में ज़्यादा हो गया, मेरे को इतना डालना भी नहीं था। थोड़ा सा कम कर देते हैं, यहाँ डाल देते हैं। ये लीजिए टू ऑयली वालों अब तो ठीक है। चलिए तेल गर्म होते हैं, हमें इसमें डालनी है राई। तेल एकदम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, थोड़ा हाथ लगा के देखना है। हाँ गर्मास आ रही है नहीं आ रही है, तो ये देखिए गैस को हाई फ्लेम पर कर दें और राई डाल दें 1 छोटा चम्मच, आधा चम्मच। अब गैस देगी हाई फ्लेम। अब यहां पर हमने कड़ी पत्ते लिए हैं, देखिए वाव, और घर के उगे हुए हैं, ये डाल देते हैं इसमें। ये लीजिए एक और डंडी डाल देते हैं। ये लीजिए गैस को देखिए अब करते हैं लो फ्लेम पर। प्याज डाल देते हैं, अब एक बिल्कुल मीडियम साइज की प्याज, ये हमारी हरी मिर्च, ये हमारी शिमला मिर्च, हमारी नहीं मतलब शिमला मिर्च की शिमला मिर्च, ये देखिए थोड़ी सी हल्दी डालेंगे,
बिल्कुल बिल्कुल एक छोटा चम्मच हींग पाउडर, एक छोटा चम्मच। और दोस्तों अमचूर पाउडर डालेंगे इसके अंदर एक छोटा चम्मच, एकदम खटास मजा आएगा। लीजिए आप थोड़ा सा चला लेते हैं। गैस लो फ्लेम पे थी, हाई फ्लेम पे करते हैं। अब यहां पर दोस्तों क्या करना है, देखिए प्याज को ज्यादा नहीं पकाना क्योंकि क्रंची पना नहीं आएगा, क्रिस्पी पना तो आ जाएगा, क्रंची पना ये वेजिटेबल का चाहिए। गैस वापस लो फ्लेम पे करते हैं और ये बस इतना ही पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना है, एक मिनट के आसपास। सीधा सिंपल अब इसमें हमें डाल देना है, और टमाटर हमने घिसा था ना, घिसा हुआ टमाटर डाल देंगे, मिला लेंगे। अब ये देखिए ये जो आलू है ये आलू डाल देंगे, ये लच्छे क्या बात है, ये डाल देंगे, ये देखिए। अब इसे पूरा 2 से 3 मिनट चला लेंगे। आप चाहें तो आलूओं को पहले फ्राई कर लें, पर अब वैसे भी अभी इनका भी और पकने का। अब देखिए यहाँ पर मैंने शिमला मिर्ची डाली है, हरी मिर्ची डाली है, और आप चाहें तो यहाँ लाल मिर्ची यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लाल मिर्ची में डालते ही मज़ा नहीं आएगा दोस्तों, लाल मिर्ची फिर बच्चे खाएंगे नहीं, क्योंकि हमने वैसे भी वो हमने जो डोव लगाया है उसमें है चिली फ्लेक्स। ये देखिए अब इसे 2 से 3 मिनट, ये इसके अंदर जो पानी है ना लच्छों में, ये थोड़ा सा सूखने तक, उड़ने तक, भाप बनने तक इसे चला लेंगे। ये देखिए तैयार है, और पूरा तैयार नहीं है, ये देखिए नॉनस्टिक होता ना इतना नहीं चिपकता, पर चिपकने दीजिए। चलिए इसे खाली कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर खाली कर लेते हैं, मज़ा आने वाला है दोस्तों आज तो। नाश्ते के बाद आपको अगर सब्जी बनानी है तो इसी पैन में बनाएं, थोड़ा पानी डालकर इसका पानी रख लें सब्जी में डालने के लिए, तो क्या होगा सब्जी में एक मस्त सा स्वाद आ जाएगा। ये देखिए इसमें डालते हैं अब एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, इससे क्या होगा इसमें जो भी थोड़ा सा भी पानी है वो बैलेंस हो जाएगा। ये धनिया पाउडर के बाद में बारीक कटा हुआ धनिया, क्या बात है, थोड़ा सा चटकाने के लिए काला नमक, और स्वाद अनुसार ये नॉर्मल वाला नमक। अब जाएगा इसमें नींबू, तो यहां पर डालना है सिर्फ आधा नींबू, ये लीजिए, ये देखिए दोस्तों जो लिया था आधा नींबू निचोड़ देना है और मिला लेना है। अब यहाँ लाल मिर्च आपको चाहिए तो डाल सकते हैं, मैं नहीं डालने वाला हूँ। ये देखिए इस तरीके से मिला लेते हैं, अब इसे होने देते हैं थोड़ा सा ठंडा, और आ जाती है बारी, ये आटा तैयार है। वाह क्या सुंदर सुशील लग रहा है, इसे थोड़ा सा मिला लेते हैं, थोड़ा सा ये हार्ड ही चाहिए, अगर ये एकदम मुलायम हुआ तो कुरकुरा नहीं बनेगा। ये इसको इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे चलाकर मुलायम करते हैं, ये देखिए ये हमने उसमें से निकाल लिया, ये देखिए यहाँ से ऐसा रहेगा, ये देखिए इसको इस तरीके से करना है, और प्लेटफॉर्म पे लगाना है तेल। थोड़ा सा तेल स्प्रेड करना है, और ये देखिए इसको बेल लेना है।
ये देखिए हमने इसे बेल लिया है, कटर हो तो कटर ले ले या छोटी कटोरी ले ले ऐसी तीखी वाली, इसे यहाँ से ऐसे काट दे। ये देखिए ऐसे, निकाल ले इस तरीके से। ये देखिए ये निकाल लिया हमने, इसको इस तरीके से कर लेते हैं और ये यहां पर रखते हैं इस तरीके से। तेल लगा दिया हल्का सा, यहां रख देते हैं इसके अंदर। ये लीजिए, इसको भी एक बार और बेल लेते हैं। लीजिए 10 इधर तैयार है और 10 इधर तैयार है। अब क्या करते हैं यार, ये कुछ नहीं करना दोस्तों, ये हमें थोड़ा थोड़ा डालना है इस तरीके से। हाय हाय, ये देखिए ऐसे थोड़ा 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 थोड़ा, ज्यादा नहीं। ये लीजिए लगा लेते हैं इस तरीके से। बंद कर, देखिए थोड़ा थोड़ा लगा लिया। अब ये रख देना एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये लीजिए इस तरीके से रख लेते हैं इनको। ये देखिए क्या बात है, ये इसको हटाना पड़ेगा। लीजिए अब इसको से उठाते हैं और दबा देते थोड़ा सा इस तरीके से। ये दबाया और ये लीजिए पैन पे बिना तेल के, नॉनस्टिक है ये देखिए। थोड़ा सा तेल लगा देते दोस्तों, मजा नहीं आएगा वरना। चलिए इस तरीके से फटाफट इनको पैन पे रखते हैं। यह देखिए हो गया, यह लास्ट मजेदार, क्या बात है, चाय के साथ मिल गया तो ओए होए होए, चाय का मजा बढ़ जाएगा। कैसा लग रहा है दोस्तों बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए दोस्तों इसमें सूजी है तो तेल तो डालना पड़ेगा, आप बिना तेल के भी बना सकते हैं पर थोड़ा तो चलेगा ना। ये लीजिए अब इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे दबा देते हैं और पलट देते हैं। दबाना है, पलट देना है, दबाना है, पलट देना है, दबाना है, पलट देना है। ये इसको भी दबाना है,
पलट देना है। बस इसी तरीके से पलट पलट के इसको कर लेंगे हम, सेक लेंगे। बाप रे जल गया ये देखिए, पलट पलट कर लिया हमने। इसमें लगे हमें 5 मिनट और अब गैस को बंद कर देते हैं, निकाल लेते हैं यहां पर। अरे इधर अब इसे चटनी से खाएं, सॉस से खाएं। बच्चे तो सॉस ही मांगेंगे, सॉस लाओ मम्मी पापा, सॉस से खाएंगे। आय हाय देखिए क्या क्रिस्पी बनाता हूँ आपको, देखिए कितना क्रिस्पी बना है। क्या क्रिस्पी, मजेदार। चलिए दोस्तों नाश्ता बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें ऐसी रेसिपी पाने के लिए। मेरे चैनल पर भी कभी रेसिपी उन्हें देखिए, बनाइए, खिलाइए और तारीफ पाइए, क्योंकि जो मजा खिलाने का है वो खाने का नहीं है। चलिए आज जो बनाइए मस्त कुरकुरी आटे से बनी हुई मजेदार नाश्ता, उसे खाकर चाय के साथ खत्म करते हैं।